90% जो लीवर था वो खराब था। डॉक्टर ने बोला आपके लीवर के ऊपर छाले पड़ते हैं, आपका बचना नामुमकिन है, आप जाइए घर पे दवाई खाइए। 19 और 20 में डेड हुआ। मेरे को पता नहीं दुनियादारी क्या है क्या नहीं, कहाँ पे हूँ ये भी मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छा। फिर मेरे बोले बाबा ने बुलाया, चंचल आप तो मेरे भक्तों को बहुत खुश करते थे, दोबारा आओ। फिर बोले बाबा ने मेरे को अपने चरणों में लगा के लेट कर जाके बोले बाबा से वरदान प्राप्त किया। बोले शंकर भगवान की जय। ओ मेरा बोला है बड़ा करता लूंगी ती सवाल सगा बोलया मम्मा बोलया। तो फाइनली दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं शिव खोड़ी, जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अब हम आज शिव खोड़ी पहुंचे हैं। और ये शिव खोड़ी का टैक्सी स्टैंड है, जो भी यहाँ की गाड़ी वगैरह टैक्सी वगैरह आपको ले जाएगी वो यहीं तक छोड़ेगी। इस ये भाई ड्राइवर है, जैसे क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा जी। ये पंडा जी है भाई, और यहाँ के बाद जो है ऐसे इस तरीके के फोर व्हीलर, इसको यहाँ के ये ऑटो बोलते हैं, ये फोर व्हीलर है, एक चैंपियन टाइप में चलती है, जो यहाँ से आगे शिव खोड़ी की गुफा तक छोड़ेगी। चलो मेन गेट पे चलते हैं, उसके बाद आगे का दिखाते हैं आपको। ये जो ऑटो से हम उसके बाद आए हैं, और ऑटो लाया मैं यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है इनका, एक दूसरा ऑटो स्टैंड जहाँ से आपको खच्चर वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। और वो सामने शिव खोड़ी मंदिर का जो द्वार है वो मेरे सामने दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये है। चलिए चलते आगे शिव जी की गुफा का दर्शन करने के लिए। और ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर शिव खोड़ी के लिए। ये मंदिर के द्वार से पहले चारों तरफ ऐसी दुकानें हैं सिकंजी वगैरह के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए। और ये शिव खोड़ी है, ये पड़ता है रासू में, जेएंडके में ये जगह है रासू। ये यहाँ पर अगर कोई बैग वगैरह लेके जाता है तो उसके लिए प्रॉपर चेकिंग है, मशीन लगी है एक्सरे मशीन वगैरह। और ये लाइन है यहाँ से जाने के लिए। और ये देखिए, ये इसके अंदर पानी के अंदर आपको मछलियाँ दिखाई दे रही होगी, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इस पानी के अंदर, ये सारे तालाब में मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई दे रही होगी आपको। वाह, ये जो मछलियाँ थी इनके लिए ये आटे की गोली बना रखी है इनको, आटा जो खिलाने के लिए, मछली आटा खाती है। और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से शिव खोड़ी मंदिर का ऊपर का 3.5 किलोमीटर। ऐसे ही दर्शन करने के लिए कितने इस पालकी में जाते हैं, कितने यहाँ से खच्चर बजाते हैं, पिट्ठू करके जाते हैं। जय बाबा की। ये देखिए ऐसा ही झरना जो है ये पूरे रास्ते में मिलेगा, जहाँ पे लोग बाग जगह जगह जो है स्नान कर रहे हैं। और ऐसे ही ये कचरों की जगह है, ये कचरों का स्टैंड है यहाँ पे। जो 500 रुपये में आना जाना ऊपर से नीचे कर देते हैं। बोल भोले बाबा की जय। ये देखिए हमारे देश की सेना हर जगह मिलेगी आपको रक्षा करने के लिए। जय हिंद करो बच्चों, जय हिंद।
जय हिंद करो महावीर साहब को, जय हिंद। अंदर देखो, पहाड़ों से निकलता हुआ सुंदर छोटा सा झरना, इसी का पानी जो है नीचे ये बड़ा झरना बनाता है जिसमें मछलियां दिखाई थी मैंने अभी पीछे। ये देखिए कैसे खच्चर पे बैठ के श्रद्धालु जितने भी है शिव बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। भक्तों से जगमगा उठा है ये शिवखोड़ी का जो मार्ग है, आने जाने वालों की काफी भीड़ है। और जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ की जो कहानी है मानता है वो ऐसी है कि एक भस्मासुर नामक का राक्षस था जिसने शिव की काफ़ी दिनों तक भारी तपस्या की, बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। और तपस्या करने के बाद जब शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न होने के बाद शिव जी ने जब उन्हें अपना अपने दर्शन दिए तो उन्होंने शिव से वरदान मांगा कि मुझे कोई अनोखा वरदान दो। तो शिव भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर उनको भस्म का जो है उनको आशीर्वाद दिया, ये कहा कि आप जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो ये आशीर्वाद देने के बाद भस्मासुर नामक राक्षस जो था उसके अंदर इतना अहम भर गया, इतना घमंडी वो हो गया कि वो किसी भी के सिर के हाथ पर रख देता था वो भस्म हो जाता था। तो उसने सारे देवी देवता सब डरने लग गए, सारे ब्रह्मांड में जो है उसने तहलका मचा दिया, सारे भगवान डरने लग गए। डरने के बाद भगवान विष्णु के पास पहुँचे, और जब सारे देवी देवता इकट्ठे थे तो उसी समय जो हमारे सतयुग के जो डाकिया थे इधर की बात उधर 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 पहुँचाने वाले नारद महाराज थे वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ सारे देवी देवताओं से, तो उन्होंने ये सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, अब वो है भस्मासुर जो है किसी को भी भस्म कर देते हैं, तो उनसे बचने का उपाय कैसे होगा। अब शिव जी महाराज ने तो आशीर्वाद दे दिया उनको, तो नारद जी सबको लेके विष्णु भगवान के पास पहुँचे, क्योंकि तो सृष्टि के रचिता है वो ब्रह्मा जी है और विष्णु जी है। तो विष्णु जी ने पूछा कि इसका हल क्या होगा, तो इसी पे विष्णु भगवान जी ने कहा कि नारद जी इसका हल भी आपके हाथ में ही है, आप जो है भस्मासुर जी के पास जाइए और उनको त्रिलोकी का ज्ञान दीजिए। तो इतना बात सुन के नारद जी बोले नारायण नारायण, और भस्मासुर जी के पास पहुँच गए। और भस्मासुर जी को उन्होंने बताया कि महाराज अगर आप चाहो तो शिव जी महाराज को जो है उनको वध करके वध कर सकते हो, और उनके वध करने के पश्चात जो पार्वती मैया है उनके साथ आप विवाह कर सकते हो, और विवाह करने के बाद जितने भी देवी देवता है उनके उनके ऊपर राजा करके आप त्रिलोकी राजा बन सकते हैं। तो तीनों तीनों वरदान के उन्होंने बताया तो उनके मन में लालच आ गया, तो लालच आने के बाद भस्मासुर ने कहा यह बात सही है, और इतना कह के नारद मुनि वहां से गायब हो गए, बोले नारायण नारायण। और गायब होने के बाद जैसे चले तो भस्मासुर महाराज जी का अहम इतना बढ़ चुका था कि वो भगवान भोलेनाथ शिव जी को ही मारने के लिए चल पड़े। और जैसे ही भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव में और उनमें काफ़ी गहरा युद्ध हुआ, बहुत दिन तक उनकी लड़ाई चलती रही। जब हार का नतीजा ही नहीं निकला तो ना तो शिव जी हार रहे थे ना वो भस्मासुर हार रहे थे, तो शिव जी भगवान भागने लगे। तो एक पहाड़ी पे पहुंचे युद्ध करते करते दोनों, और शिव भगवान ने जब कोई चारा ना पाकर शिव भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला और एक पहाड़ी पे फेंक के मारा, जिसके कारण वहाँ पे गुफा बन गई। उस गुफा के अंदर शिव भगवान जो है पार्वती मैया के साथ में विराजमान हो गए, और काफ़ी समय तक उसके अंदर ही रहे। वो गुफा बाहर से बंद हो गई थी, जिसके बाहर काफ़ी दिनों तक भस्मासुर जी बैठे रहे, इंतजार करते रहे। और जब काफ़ी समय हो गया तो जितने भी देवी देवता थे वो सब व्याकुल हो गए, परेशान हो गए शिव जी भगवान के दर्शन पाने के लिए। और जब दर्शन नहीं पाया तो वो सारे मिलकर विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे कि विष्णु भगवान इसका कुछ तो उपाय करो, ऐसे तो ना तो वहाँ से हटेंगे और वो ना वहाँ से निकलेंगे। तो कोई उपाय ना पाकर विष्णु भगवान ने बताया, बाद तुरंत बाद विष्णु भगवान जी ने निर्णय लिया कि विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप अवतार लेकर उस गुफा के पास पहुँचे पार्वती मैया के रूप में, और उनको बताया कि शिव जी महाराज जो है वो तो अंत ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ इस गुफा के अंदर है, निकल नहीं रहे, मैं बाहर आ गई हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन विवाह आपसे एक शर्त पे करूँगी
कि अगर आप मेरे साथ जो मैं नृत्य करना चाहती हूँ वो नृत्य कीजिए, उसके बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। तो उसी के साथ जो है भस्मासुर जी ने पार्वती मैया जो थी उनके साथ नृत्य करना शुरू करा, और नृत्य करते करते हवा में ही दोनों के नृत्य करते करते मद्रास पहुंच गए। भस्मासुर ने उस नृत्य करते करते तांडव में सिर को सिर अपने हाथ को रखा, हाथ पे रख, हाथ सिर पे रखते ही वो खुद ही भस्म हो गए और मद्रास में अभी। उसके बाद कि सारे देवी देवता जो है खुशी हो गए, खुशी की लहर उठ गई, सब नाचने गाने लग गए, ऊपर से पुष्प की वर्षा हो गई विष्णु भगवान के ऊपर, सारे जगह भगवान विष्णु के जय जयकार लगने लग गए। और जय जयकार लगते लगते सारे जितने भी देवी देवता थे 33 करोड़ हमारे, वो सारे के सारे उस गुफा के पास पहुंचे। और गुफा के पास पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप बाहर आ जाइए, ऐसे ऐसे सब सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे सारा कुछ हो चुका है, भस्मासुर जी का अंत हो चुका है। लेकिन शिव ने उनकी नहीं मानी, तो और उसके पश्चात शिव भगवान ने कहा कि एक ही शर्त में मैं गुफा से बाहर आऊँगा, अगर विष्णु भगवान जी की जो काम धेनु गाय है वो गुफा के अंदर आएगी तो उसके बाद ही मैं जो है बाहर आऊँगा गुफा के। तत्पश्चात विष्णु भगवान जी ने अपनी काम धेनु जो गाय थी उसको गुफा के अंदर भेजा, और गुफा के अंदर जाने के बाद ही शिव भगवान ने जो है गुफा के दरबार द्वार खोले और उससे गुफा से बाहर निकल के आए। और बाहर निकलते ही जितने भी देवी देवता बाहर खड़े थे उन्होंने बाबा भोलेनाथ की महादेव की जो है जय जयकार करी, उनकी आरती उतारी, और सभी में खुशी की जो है लहर उठ गई। और वहीं से जो है इस गुफा से आगे से जो है दो मार्ग फटते हैं, एक जो है अमरनाथ की गुफा के लिए जाता है जहाँ से भोले बाबा और पार्वती मैया अमरनाथ पहुँचे थे जहाँ उन्होंने अमर होने की कथा सुनाई थी, और जो दूसरा रास्ता है उससे जितने भी देवी देवता थे उस रास्ते से सारे देवी देवता गए थे वहां से निकल कर। और ये बताते हैं कि जो इस गुफा से अमरनाथ के लिए आते हैं तो ये मानो कि 33 करोड़ देवी देवता है, उन सबके दर्शन इसी रास्ते से हो जाते हैं। ये रास्ता काफ़ी काफ़ी अंधेरे वाला रास्ता है, काफ़ी खतरनाक रास्ता है, इस पर जाने के लिए जाना असंभव है लगभग लगभग। ये देखिए आज के टाइम में इस रास्ते पे सिर्फ आपको 100 मीटर तक जाने की अनुमति मिलेगी मंदिर से आगे, तो जब भी आप वहाँ जाए अपने साथ रेनकोट हो, टॉर्च हो, कैमरा वगैरह होना चाहिए आपके पास अगर उस रास्ते से जाते हो तो। वैसे इस पे जाना बहुत ही नामुमकिन है, जो कि देवी देवताओं का ही मार्ग मान लो उसमें देवी देवता ही जाते हैं। फिलहाल जिस रास्ते में हम चल रहे हैं अभी ऐसे घोड़ी के लिए माता श्राइन बोर्ड जो वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है इसने इस रास्ते को बहुत साफ सुथरा बनाया हुआ है, और जगह जगह मैंने आपको जैसे पीछे दिखाया सफाई कर्मी जो है हमारे भाई है माता बहनें हैं वो जो है इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। वहाँ पर रास्ते में हमारी माताएँ बहनें जो है ऐसे साफ सफाई का काम करती है रास्ते में, जिनका बहुत एहसान है इस पृथ्वी पर, अगर ये ना हो तो सारे जगह जो है महामारी फैल जाएगी, सारे देश में गंदगी फैल जाएगी। सबसे बड़ा उपकार जो है इन्हीं का है देश में, तो इनको दिल से नमन। और ऐसे ही भक्त यहाँ से आते रहते दर्शन करके, बोल भोले बाबा की हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय बाबा बर्फानी की, जय महादेव बाबा की। और एक बात ये बताते हैं यहाँ के लोगों से पता चला मुझे कि अगर ये शिवखोड़ी की जो गुफा है इसके हम संपूर्ण दर्शन कर लेते हैं तो इसके संपूर्ण दर्शन करने का मतलब है कि हमने जो है अपने चारों धामों की यात्रा कर ली इसके अंदर, ये मानता है यहाँ की। और जगह जगह रास्ते में ये देखिए जैसे भाई कितना सुंदर ढोल बजा रहे हैं।
की जय। दूसरा जन्म है भाई, अच्छा ये दूसरा जन्म है मेरा, जाओ आपकी जो मनोकामना। जय बाबा की, जय बाबा की, भगवान की मनोकामना पूरी करे। फिर मिलना, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, दोबारा जरूर मिलेंगे भाई जन्म से। ये देखिए बाबा का चमत्कार है, दूसरे जन्म में भाई का। रबना नारक वाला जीव जी नमरो है बाला, जो लीवर था वो खराब था। डॉक्टर ने बोला आपके लीवर के ऊपर छाले पड़ते हैं, आपका बचना नामुमकिन है, आप जाइए घर पे दवाई खाइए। 19 और 20 में डेड हुआ, मेरे को पता नहीं दुनियादारी क्या है क्या नहीं, कहाँ पे हूँ ये भी मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छा। फिर मेरे बोले बाबा ने बुलाया, चंचल आप तो मेरे भक्तों को बहुत खुश करते थे, दोबारा आओ। फिर बोले बाबा ने मेरे को अपने चरणों में लगा के लेट कर जाके बोले बाबा से वरदान प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओ मेरा बोला है बड़ा कर बहुत खुशी मिली इन भाई से मिलके। इनका कहना है कि इनका पुनर्जन्म है अपने भोले बाबा के दरबार में, भोले बाबा की कृपा से इनको दूसरा जन्म मिला है। तो भोले बाबा के ऐसे चमत्कार अनेकों चमत्कार है जिनको नमन है। तो भोले बाबा की एक बार फिर से दिल से जय, भोले बाबा की जय, श्री महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा की जय हो। ये रास्ते में जगह जगह ऐसे दिशा निर्देश आपको शाइन बोर्ड की तरफ से लगे मिलेंगे, और ऐसे ही लोहे की पुलिया बनी मिलेगी आपको, नीचे से नदी बह रही होगी, झरना बह रहा होगा। ये देखिए तुम्हारी फुर्सत ना आ रही, बताना जन का कर देते हैं अभी जय हो शनि महाराज की। ये रास्ते में आपको शनिदेव का टेंपल मिलेगा। जैसा कि अभी मेरे पीछे और ढोल वाले भाई थे, उन्होंने यहाँ के चमत्कार के बारे में बताया, इनके खुद पे बीती हुई घटना है ये। ये देखिए छोटे से छोटे छोटे भक्तों को लेके जा रहे हैं घोड़े पे, और ये देखें मेरे पीछे कितना सुंदर मंदिर। ये भगवा कलर का ये मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है। इसको देखकर दिल कर रहा है कि इसको देखते रहो, बस देखते रहो, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है ये। वाह, जय भोले बाबा की। और देखिए फिर से एक ब्रिज आ गया है मेरे सामने। कितने ब्रिज रास्ते में ऐसे ब्रिज बने हुए हैं इस नदी को पार करने के लिए, जो कि यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं सिर्फ खड़ी यात्रा को। और जैसे कि मैं बता दूं, वैष्णो देवी माता के मैं कई बार दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन इस बार ही मुझे अवसर प्राप्त हुआ है सिर्फ खड़ी आने का। भैया देखिए इस मंदिर के मैं भी आपको बता रहा था पीछे, भगवा कला का जो मंदिर बना हुआ है, ये श्री राम भगवान का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में इन महाराज जी से पूछते हैं कुछ, यहाँ के बारे में बताइए महाराज जी, यहाँ के बारे में बताइए, मंदिर के बारे में कैसे बना था, किसने बनाया था? श्री गुरु जी महाराज ने स्थापना की थी 1990 में। 1990 में, और आप यहाँ पे कब से हो? 99 से यहाँ हूँ, यही सेवा कर रहे हैं वैसे ही। जय हो श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जगह जगह रास्ते में ऐसे हमारे फौजी भाई आपको मिलेंगे बाबा के यहाँ रास्ता करने के लिए। ये देखिए भक्त, बोल भोले बाबा की जय, जय हो शिव शंकर महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। ये देखिए ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हम भी जो है खच्चर का मजा लेंगे, और दोनों दोनों एक ही खच्चर पे बैठे हैं, इतना प्रेम दोनों में है, भाई बहनों में दोनों में।
कि दोनों एक एक खच्चर बैठ गए। मैं कह रहा अलग अलग बैठ जाओ, कह रहे नहीं हम तो दोनों एक पे बैठेंगे। बोल भोले बाबा की जय। ये देखिए एकदम खड़ी चट्टान है और इसके नीचे ये इन लोगों ने अपना बसेरा किया हुआ है, मट्टी का अपना घर बनाया हुआ है। और किस प्रकार ये यहाँ रहते हैं हमें समझ में नहीं आता, किस प्रकार से अपने जीवन जो है व्यतीत करते हैं। इतना खतरा यहाँ पे है कि कोई भी अगर पत्थर टूट के गिर गया तो बस हो गया काम। इसे कहते हैं जिंदगी, लाइफ स्ट्रगल फुल लाइफ है इनकी, चमत्कार है भाई। ये देखिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं, ये अंतिम पड़ाव है, यहाँ खच्चर का स्टैंड है, ये यहीं पर खच्चर छोड़ देता है सिर्फ घोड़ी पे। और इसके बाद जो है कुछ पैड़िया है ये आगे जहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है गुफा की। अभी थोड़ी देर बाद जो है कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, ये सब लॉकर में जमा हो जाएंगे। तो जितने भी पॉसिबल है वहां तक मैं आपको दिखा देता हूँ। जय हो भोले बाबा की। जय हो भोले बाबा की, जय हो महादेव की। अब ये कुछ पेड़िया है जिसके बाद वो प्राचीन गुफा जो है वो आ जाएगी। ये देखिए अब फाइनली हम जो है बिल्कुल ही ऊपर शिवखोड़ी माँ के जो बाबा की जो गुफा है, बाबा गुफा में हम शिवखोड़ी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो है ये कतारें लगी हुई है। ये देखिए ये सामने ऊपर की तरफ जो है गुफा है। बस मोबाइल फोन वगैरह कैमरा वगैरह यहीं तक ही अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो इससे आगे का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। और इस गुफा में से आप यात्रा करके उस तरफ से वापस निकल के आओगे। अंदर जो पिंडिया रूप में जो मूर्तियां बनी हुई है अभी उनके दर्शन आप कराता हूं मैं। चलिए जय भोले बाबा की, जय बाबा की। अब हम भोलेनाथ के शिव खोड़ी के दर्शन करके वापिस चलते हैं जम्मू कटरा की तरफ। तो बहुत आनंद आ गया भोले बाबा के दर्शन करके। बोल भोले शंकर महाराज की जय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो जो आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपया करें। मेरा चैनल है मलिक यारों का यार, और ऐसी ही सुंदर वीडियो और बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।